नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सेकंड वीडियो में पार्ट टू में, क्योंकि पार्ट भाई लंबा हो जाता है तो लोगों को फिर बोरियत होने लग जाती है। गल्फ से रिलेटेड बात करेंगे, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत से रिलेटेड जितने भी आपके कमेंट किए थे आपने वीडियो के नीचे, उन सभी का क्वेश्चन का आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन थे, जो भी क्वेरी थी आपने लेने की कोशिश करी थी, वो वीडियो के माध्यम से दूंगा, ताकि आपके साथ अन्य लोगों को भी उन बातों का, उन सवाल का आंसर मिल सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो जरूर कर लें। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। मोहम्मद अली खान पूछते हैं, मस्कत के फ्लाइट के बारे में बताइए। सर भाई, मस्कत के देखिए एयरबबल्स के अकॉर्डिंग फ्लाइटें चल रही हैं नॉर्मली, जैसे आप रजिस्ट्रेशन के या फिर उस हिसाब से फ्लाइट में मिल सकती है। बाकी नॉर्मल फ्लाइटें में टाइम बहुत लगने वाला है, अभी तक कोई उम्मीद नहीं है कि नॉर्मल फ्लाइटें कब चालू हो जाएं। बाकी अगर आपको जाना है तो दिल्ली से या कहीं से भी आप एयर बबल्स की फ्लाइट पकड़ के जा सकते हैं। रवि कुमार जी पूछते हैं, सर हम रवि बोल रहे हैं दुबई में, 17 मार्च को जो वीज़ा आया था, रिन्यूअल हो रहा है कि नहीं, न्यू फ्लाइट कब से होंगी उन्हें बताइए। देखिए भाई, जो 17 मार्च को जो वीज़ा आए थे वो सब एक्सपायर हो चुके हैं, वो ख़त्म हो गए और कोई रिन्यू नहीं होगा, दोबारा पैसा लगेगा आपका, पैसा दीजिए, वीज़ा लीजिए। और रही बात फ्लाइटों की, तो भाई फ्लाइट कब की चाहिए, दिन में 4 फ्लाइटें रोज़ मिल जाती हैं, 4-5 फ्लाइटें दुबई से, दिल्ली से रोज़ फ्लाइटें जा रही हैं, सब जगह से फ्लाइटें जा रही हैं, जहां मर्जी आप फ्लाइट पकड़ के जा सकते हैं। वीज़ा दूसरा लेना होगा, उस पैसा का, उस जो वीज़ा मिल एक्सपायर हो गया उसका पैसा भी रिफंड नहीं होगा भाई, आपने जिनसे लिया उनसे उनको तंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो पैसा रिफंड नहीं होने वाला है। धीरज कुमार बोलते हैं, सर इंडिया से अबू धाबी जा सकते हैं क्या, मेरे पास रेजिडेंशियल वीज़ा है, वैलिड है, कोविड टेस्ट करा के। बिल्कुल भाई आप जा सकते हैं, आपका वीज़ा भी पड़ा है, कोविड टेस्ट का आपको पता है कि कोविड टेस्ट करा के जाना होता है, कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको, आराम से आप फ्लाइट टिकट कोविड टेस्ट करवाएं, टिकट लें और दुबई जा सकते हैं, दुबई का तो कोई इश्यू भी नहीं है। विजय मिश्रा बोलते हैं, कोरोना से पहले मैं छुट्टी आया था और मेरा खामा नंबर एक्सपायर हो रहा है, मैं सऊदी जाना चाहता हूं, तो उसका क्या प्रोसेस है। भाई आप कोरोना से पहले, आपके साथ लाखों लोग छुट्टी आए थे, हज़ारों नहीं लाखों लोग इंडिया में बैठे हैं और उनका अखामा एक्सपायर हो चुका है, वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ है, अखामा एक्सपायर हो गया है, तो अखामा बढ़ रहा है, लोगों के तीन तीन दो दो बार अखामा बढ़ चुके हैं, हर 3 महीने से बढ़ते जा रहे हैं, आपका भी नहीं बढ़ा तो बढ़ जाएगा, अगर नहीं बढ़ा तो आप अपने कफील से बात करें, बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फ्लाइटें इधर से स्टार्ट होगी, पहली फ्लाइट लेके कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लेके आप जा सकते हैं सऊदी अरबिया। हाँ, वीज़ा अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसकी कंडीशन में अलग से कोई नियम आएगा, लॉ आएगा, तो उसके हिसाब से मैं बताएंगे आप। दिलीप सिंह मिड्डा बोलते हैं, आई कैंसल्ड माई अप्रैल शारजा सूरत रिटर्न टिकट, इंडियन एक्सप्रेस नॉट रिफंड फुल, ओनली रिटर्न 20% अमाउंट। यानी इनका कहना है कि इनको अप्रैल में शारजा से सूरत के लिए टिकट बुक करवाई थी, जो ये नहीं जा पाए थे, ओनली 20% रिटर्न मिला है। बिल्कुल ये गलत बात है, 80% आपका 80% जो कटा है वो किस बात का कटा है, उनको लिखित में दिया होगा आपको कि इस तरह के हम अपना 80% पैसा कट गया, तो आपका हो सकता है जिससे आपने बुक करवाई उसने कोई गलती कर दी होगी, बाकी पूरा पैसा रिफंड होना चाहिए। आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं, एयर इंडिया को आप कंप्लेन करें या फिर आप दूसरे तरीके से भी इसमें लीगल एक्शन ले सकते हैं। बाल बोलते हैं, हमें ऑफर लेटर मिला है यूएई का, क्या विजिट वीज़ा लेकर जा सकते हैं, उसकी क्या कंपनी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा सकती है क्या भैया, प्लीज़ रिप्लाई मी। भाई ऑफ़र लेटर देखिए, विजिट वीज़ा में ऑफ़र लेटर नहीं मिलता, ये बात हमेशा ध्यान रखें। हाँ, इतना हो जाता है कि भाई वहाँ अगर आप हो तो आपको ऑफ़र लेटर कंपनी दे देती है, पहले उस पर साइन करके आपको रिटर्न जमा करना होता है। अगर आप इंडिया में बैठे हैं तो विजिट वीज़ा पे कौन सा ऑफ़र लेटर आता है, कंपनी अलाउ नहीं करती, क्योंकि ऑफ़र लेटर तो आपके नाम से आएगा ना, तो विजिट टू एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ इंडिया से कोई ऑप्शन नहीं होता। हाँ, वहाँ पे जाके अगर आप ये ऑफर लेटर लेते हो तो मिल जाता है, बाकी नॉर्मली में वीज़ा लग जाता है, 3 महीने वाले वीज़ा में जाना है, 1 महीने वाले में नहीं जाना है, वीज़ा लग जाएगा, बाकी आपके एजेंट पे डिपेंड करेगा वो आपके साथ किस तरह से व्यवहार करता है। इंद्र प्रजापति बोल रहे हैं, सर सऊदी का न्यू वीज़ा कब से चालू होगा। भाई सऊदी की फ़्लाइट चालू हो जाएगी उसके हिसाब से न्यू वीज़ा भी चालू हो जाएगा, अभी तक कोई अपडेट उसकी नहीं है, जैसे ही आती है हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। बोलते हैं, ब्लैकलिस्ट वाले जा सकते हैं क्या दुबई, सर कैसे पॉसिबल है। ब्लैकलिस्ट वाले भाई नहीं जा सकते, अगर आपके पास 5 साल का बैन लगा हुआ है, नॉर्मली काम जैसे आप वहाँ पे इलीगल हो गए थे वगैरह वगैरह, तो 5 साल का बैन है, बाकी आपने कोई कांड समझ रहे वो अगर करके आए तो लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाओगे, नहीं जा सकते। नॉर्मली 5 साल बैन में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमरजीत सिराज बोलते हैं, सर जो वीज़ा मार्च में कैंसिल होते हो कब तक एक्टिव होंगे, कोई अपडेट हो तो बताइए। अगर वीज़ा शारजा इमिग्रेशन से निकला हो तो क्या दुबई इमिग्रेशन में ट्रांसफ़र करके एक्टिव हो कर सकते हैं।
क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि कोई एजेंट बोल रहा है कि 125 एडी लगेगा, वीज़ा 7 दिन में एक्टिव हो जाएगा, उसे ट्रेवल कर सकते हो। भाई ऐसा एजेंट आपके पास मिला है, मिले तो हमें भी बताना, क्योंकि दुबई में दुबई के लाखों वीज़ा डिसएक्टिव हो के निकले थे और उसका कोई प्रोसेस सरकार ने कोई नहीं बताया है कि भाई हम उनको एक्टिव करेंगे या फिर कोई नए वीज़ा में उनको कन्वर्ट करेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। आपका अगर ऐसा एजेंट है तो वो तो बहुत बड़ा, मतलब इसको 30 मार्का बोला जा सकता है कि वो ये काम कर सकता है, क्योंकि 30 मार्का में अक्षय कुमार ही ऐसे काम करता था। तो आपके एजेंट को तो अक्षय कुमार आप मान के चल सकते हैं। बाकी अक्षय कुमार का क्या हालत होता है लास्ट में पता है? पुलिस पकड़ के अंदर डाल देती है। सेम ऐसे आपका एजेंट का होने वाला है। दानिश शमशाद बोलते हैं सर दुबई अभी एंट्री कर सकते हैं क्या कुवैत में वाया दुबई से? तो मैं बता दूं भाई बहुत सारे लोगों ने एंट्री की है। पहले आपने वीज़ा दुबई का लेना है, टिकट लेना है, आपको वहाँ से जाना है, फिर वहाँ से आप कुवैत के लिए ऑप्शन है आपके पास। ऐसा हुआ है, काफ़ी लोग गए हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करेगा। एमडी समीम बोलते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट कब से चालू होगा? सर भाई इंटरनेशनल फ्लाइटों का अभी कोई शेड्यूल नहीं है किसी भी कंट्री के बारे में। जो फ्लाइटें हैं एयरवेबल्स के अकॉर्डिंग चल रही है, वंदे भारत सेक्शन 6 के तहत ये फ्लाइटें चल रही हैं। जैसे ही कोई डी अपडेट आती है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं टाइम लगेगा इंटरनेशनल फ्लाइटों में चलने में। इरफान खान बोलते हैं सर फरवरी में वीज़ा अप्लाई हो गया था, इंडिया भी आ गया, लेकिन पासपोर्ट स्टाम्प नहीं हुआ, क्या हुआ, वीज़ा एक्सपायर हो गया? भाई देखिए वीज़ा आपका पासपोर्ट में स्टाम्प नहीं हुआ तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, समझ गए बात को। वो वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, उसको वहाँ पे सरकार रिन्यू कर देती है नहीं कर देती है वो वहाँ पे डिपेंड करेगा, बाकी उसका कोई वैल्यू नहीं, उससे आप नहीं जा सकते। गोल्ड बोलते हैं भाई कोलकाता से नेपाल में इंटरनेशनल फ्लाइट कब से होगा? भाई वो तो नेपाल पे डिपेंड करेगा इंटरनेशनल फ्लाइट, वो अगर इंडिया को मान्यता नहीं देता फ्लाइटों की तो भाई यार ये रहा नेपाल बाईपास जाइए ना, अब क्या दिक्कत है। बाकी ऐसा ऑप्शन आया नहीं है, आएगा तो हम बताएंगे, बाकी फिलहाल के लिए फ्लाइटें सस्पेंड हैं, अभी तक कोई ऑप्शन है नहीं। ऋतुराज सिंह राजू बोलते हैं अशोक जी नमस्कार, मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया है और मैं कैंसिलेशन के बाद 2 मंथ रहूँगा तो फाइन आएगा क्या? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं 17 नवंबर तक घर जाने वालों का फाइन नहीं है, जो इधर वीज़ा स्टेटस चेंज करेंगे तो फाइन आएगा। देखिए भाई आपने लिखा है वो ठीक है, आपका वीज़ा 2 महीने आपका वीज़ा कैंसिल हो गया है, अब कैंसिल कब हुआ ये आपने नहीं बताया है। 1 मार्च तक हुए थे, उनकी डेट ख़त्म हो गई, 10 सितंबर दी थी, उनके बाद उनका फ़ाइन स्टार्ट हो चुका है। आगे की न्यूज़ नवंबर का, हाँ बिल्कुल है आप भाई, आपका वीज़ा कब एक्सपायर होगा वो डिपेंड करेगा, एक्सपायर कब हुआ है उसके हिसाब से, अगर सच्ची बात अगर है तो आपका फ़ाइन नहीं लगेगा, या फिर आप वीज़ा स्टेटस चेंज कर सकते हैं ताकि आपका वो जो फाइन आ रहा है वो भर के जमा करके फाइन स्टेटस वीज़ा चेंज कर ले तो वहीं का वहीं आपका वीज़ा लग सकता है। नरेंद्र कुमार जी बोलते हैं सर मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, दोबारा बन सकता है क्या? भाई बिल्कुल पासपोर्ट गुम हो गया है, इसके साथ एक FIR की कॉपी लगेगी जो ऑनलाइन निकाल देते हैं, जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ना, जो इसका ऑनलाइन फॉर्म जो पासपोर्ट से संबंधित भरते हैं वही FIR के साथ में ऑनलाइन कर देंगे और पासपोर्ट आपका दूसरा बन जाएगा। पासपोर्ट की पहले वाले की कॉपी होना ज़रूरी है, पासपोर्ट नंबरों की कॉपी होना ज़रूरी है, दूसरा बन जाएगा। 3,000 रुपये फीस है, 500-700 ऊपर लगेंगे, 3,500-4,000 में पासपोर्ट बन के घर आ जाएगा। ये जुर्माना है, 1500 लगता है, 1500 आपका जुर्माना लगेगा, फाइन जिसको बोल सकते हैं। मेरा गाँव गोरखपुर बोलते हैं सर मलेशिया का एम्बेसी कब खुलेगा? ये इतनी स्थिति बहुत ख़राब हो रही है भाई, मलेशिया की एम्बेसी खुली हुई है, किसने बोला खुली हुई नहीं है? कौन सी देश की ये एम्बेसी बता दीजिए जो बंद है, जो भयंकर लॉकडाउन लगा था जिसमें मैटर ख़त्म था, कुछ भी नहीं था, तब ज़रूर बंद था, बाकी फ्लाइटें चालू हैं, इसका मतलब एम्बेसी चालू है, ये तय बात है। हाँ ठीक है मलेशिया में अगर लॉकडाउन चल रहा है तो 10 लोग आते हैं, वहाँ पे 3 आ जाएँ 4 आ जाएँ कुछ काम है, लेकिन फ्लाइट सिस्टम स्टार्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुमार पूछते हैं इनका अलग ही अजीब सवाल है सर एक वीडियो बनाइए, यहाँ इंसान में क्या लिखा भाई, इंसान इंडिया से दुबई जाता है तो इंडिया की सिम दुबई में वर्क नहीं करता, क्या इस पर आप एक वीडियो बनाए क्या करना चाहिए? देखिए यार इंडिया का जो नेटवर्क है क्या दुबई में है? एयरटेल आइडिया वोडाफोन BSNL क्या दुबई में नेटवर्क है कि वहाँ कैच कर लेगा? सिम काम करती है, सिम किसने बोला काम नहीं करती? रिचार्ज करवाइए, एयरटेल का नंबर साथ में लेके जाइए, 8,500 रुपये महीने का रिचार्ज होगा, रोमिंग में काम करेगा बाकायदा, क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, किसने बोला नहीं करेगा, करता है। लेकिन भाई इन लफड़ों में न पड़ के वहाँ जाके सिम खरीद लें, उसी में फ़ायदा रहेगा, क्योंकि इंडिया का नेटवर्क वहाँ नहीं है। अब आप ये भी बोल सकते हो सर दुबई की सिम इंडिया में काम क्यों नहीं करती, कैसे करेगी? वहाँ अलग नेटवर्क है, इंडिया में अलग नेटवर्क है, तो कम्युनिकेशन नहीं बन पाता ना दोनों का, तो सिस्टम अलग अलग है, तो दिक्कत आती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। राम सारण बोलते हैं सर नमस्कार ओमान की फ्लाइट कब चालू होगी? मेरा नवंबर में आया था,
क्या मैं अभी ओमान जा सकता हूँ? मेरा वीजा 17/1/2021 तक समाप्त होगा। बिल्कुल 17/1/2021 से पहले कभी भी जा सकते हैं। छुट्टी एक्सपायर हो गई कोई बात नहीं, छुट्टी एक्सपायर हो गई तो आप अपने कफील आपका जो भी है उनसे कॉन्टेक्ट करें, उनसे ओमान से संबंधित कुछ मैंने का वीडियो अलग से बनाया, वो डॉक्यूमेंट तैयार करके आप उसमें जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लाइट टिकट लें और वो फॉर्मेलिटीज पूरा करें, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।